दिल्ली में गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के सीपीजी कॉलेज ऑफ हायर स्टडीज एंड स्कूल ऑफ लॉ में इंटर कॉलेज प्रबंधन और आईआईटी के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की डीन मीना सिन्हा मुख्य अतिथि के रूप में छात्रों के बीच में पहुंची थी। इसमें दिल्ली ही नहीं देश के अलग अलग कोनों से कॉलेजों के छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं, जिन्हें उनके कॉलेज ने टीम के रूम में सेलेक्ट कर यहाँ भेजा है। ये कंपटीशन 5 और 6 अप्रैल को 2 दिन लगातार चलेगा। सभी कॉलेजों ने अपनी अपनी छात्रों की टीमें भेजी है। इसमें भी कविजिस्ट, फ्योरे, रंगोली मेकिंग, काउंटर स्ट्रीट डिबेट, इट फोटो मोंटाज आदि, इस तरह से कई टीमें इसमें हिस्सा ले रही है। इसका मकसद यही है कि बच्चे अकेले किताबी ज्ञान से शिक्षा का उद्देश्य पूरा नहीं कर सकते, इसके लिए उन्हें इस तरह की प्रतियोगिताओं और आयोजनों से प्रैक्टिकली सीखने को मिलेगा, जो किताबी पढ़ाई से ज्यादा वक्त तक याद रहता है और आसान भी होता है। साथ ही नए तथ्य भी निकलकर सामने आते हैं, जिन पर शोध की गुंजाइश बढ़ती है। इसी मकसद से सीपीजे कॉलेज ऑफ हायर स्टडीज एंड स्कूल में यह आयोजन किया गया। दिल्ली में नरेला के इस कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉ नीना सिन्हा, डीन गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली, और इस मौके पर गेस्ट ऑफ ऑनर नरेला जोन एमसीडी चेयरमैन सुनीत चौहान, सीपीजी कॉलेज अध्यक्ष सुभाष चंद जैन, कॉलेज महासचिव अभिषेक जैन, निदेशक युगांक चतुर्वेदी और साथ में कॉलेज की फैकल्टी और छात्रों ने भाग लिया। दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस तरह के कार्यक्रम में भाग लेकर छात्र भी काफी खुश है, क्योंकि इस तरह के कार्यक्रम से उन्हें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। मॉर्निंग, वी हैव डॉक्टर प्रोफेसर नीना सिन्हा विद अस एंड शी इज डीन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज जीजीएसआईपी यूनिवर्सिटी एज आवर चीफ गेस्ट फॉर टुडेज फंक्शन मार्केटिंग 2018, जो कि हमारा मैनेजमेंट और आईटी विंग का सीपीजे कॉलेज ऑफ हायर स्टडीज एंड स्कूल ऑफ लॉ का एनुअल फंक्शन है, जो 2 दिन चलेगा। मैडम इज आवर चीफ गेस्ट एंड वेरी मच वेलकम टू यू। सर जी, खासकर ये मार्केट में भी चल रहा है, इसके बारे में आज I was just going through the brochure and I found that a lot of activities have been planned, which are cultural activities as well as many business-oriented games and business plan and dealing with innovation and various other facets of the management life. So I'm very happy and being part of the Guru Gobind Singh Indraprastha University family, it's a pleasure to be here. Our pleasure to be. सीबीजी कॉलेज काफी बेस्ट रहता है ऐसे आप इसके बारे में बात है। छात्रों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। खासकर आईटी पर जो नया फील्ड है, बच्चों में काफी इनोवेटिव है, क्या लगता है कि मार्केट 2018 से जिस प्रकार से कार्यक्रम किया गया है, इससे काफी कुछ नया प्रतिभा और आगे आएगा? बिल्कुल, देखिए डिजिटल मार्केटिंग तो इज द बज वर्ड नाउ, बिल्कुल आज की आवश्यकता है। और डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में करियर अपॉर्चुनिटीज भी बहुत है जी। सो इफ द स्टूडेंट्स आर एबल टू गेट द राइट काइंड ऑफ गाइडेंस एंड एक्सपोजर एंड दिस काइंड ऑफ फेस्टिवल एक्चुअली प्रोवाइड्स द फोरम, सो देयर इज लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। द बजट आल्सो टॉक्ड अबाउट थिंग्स लाइक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, बिग डेटा, सो देयर इज अ फ्यूचर अहेड फॉर डिजिटल मार्केटिंग। आयोजन आपका मार्केटिंग को लेकर के आज, और कहाँ कहाँ से स्टूडेंट्स आज भाग ले रहे हैं, दिल्ली से या दिल्ली से बाहर से भी कॉलेजेज हैं, कि क्या है पूरा कार्यक्रम? सर ऊपर देखिए, सीबीजे स्कूल ऑफ हायर स्टडीज एंड स्कूल ऑफ लॉ जो है, इसमें हमारा ये मार्केटिंग 2018 जो फंक्शन हो रहा है, ये कॉलेज की मैनेजमेंट, कॉमर्स और आईटी डिपार्टमेंट्स द्वारा आयोजित है। और इसमें जो हमारा दूसरा विंग है, विच इज़ स्कूल ऑफ लॉ, तो स्कूल ऑफ लॉ का हमारा लॉय फेस्ता नाम से होता है, जो कि अभी 15-16 मार्च को हुआ है, लास्ट मंथ ही, और वेरी वेरी सक्सेसफुल इवेंट। ये हमारा 5वां वर्ष है जब हम इसे आयोजित कर रहे हैं। पिछले 4 वर्षों में बहुत ही अच्छे रूप से आयोजन रहे थे, और इसमें फैल से कि दिस इज अ वेरी प्रो स्टूडेंट इवेंट, जिसमें स्टूडेंट पार्टिसिपेशन और स्टूडेंट एक्टिविटी जो काफ़ी प्रखर रूप से सामने आती है। और अगर आप देखें तो हमारे इस कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, और उसमें इधर एटलीस्ट अराउंड 12-13 अदर कॉलेजेस जिनके स्टूडेंट्स यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दिल्ली से हैं, कुछ दिल्ली से बाहर के। जिस तरह के इवेंट का क्या फ़ायदा है सर, क्या कुछ नया सीखने को मिलेगा बच्चों को, कुछ एक्सपीरियंस होगा, कुछ आपस में शेयर करेंगे, वो क्या? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे एक बड़ी पुरानी कहावत है कि स्विमिंग हो या साइकिलिंग हो या कुछ भी तरह का खेल हो, वो कोई सिर्फ किताब से पढ़ने से नहीं आ जाएगा, वो जब तक आप पूल में कूदेंगे नहीं, आप स्विम नहीं कर सकते।
आप साइकिल पे बैठ के पैडल नहीं करेंगे, आप साइकिलिंग नहीं कर सकते। उसी तरह से आई रियली स्ट्रॉन्गली बिलीव इन द फैक्ट सर्टेन थिंग्स दे रियली रिक्वायर प्रैक्टिकल एक्सपोजर, और उस प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए इस तरह के इवेंट्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। जो स्टूडेंट्स आईटी डिपार्टमेंट के हैं, आज वो जब कंप्यूटर लैब्स में बैठ कर करके डिफरेंट इवेंट्स में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट के साथ जब अपने आप को उसमें कॉम्पिटिटिव स्पिरिट के साथ पार्टिसिपेट करेंगे तो उसमें उसका एक अलग ही फील है, और उसमें डेफिनेटली उनका एक्सपोजर और जो ये सब चीज़ें हैं उनको डेवलप करता ही है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। तो पार्टिसिपेट करें, उन्हें कैसे चुना गया है, कोई उससे भी नीचे लेवल पे आपस में कंपटीशन हुआ है या अपनी इच्छा से बच्चे आए हैं, किस तरह से? देखिए, जो बाकी कॉलेजेस से पार्टिसिपेशन हो रहा है उसमें तो हमारा उसमें कोई हाथ नहीं रहता, वो तो दूसरे कॉलेजेस जो है अपने स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस बारे में हम कह नहीं सकते कि उन स्टूडेंट्स की उस कॉलेज में क्या स्टैंडिंग है। अपने कॉलेज जो अपने कॉलेज में है डेफिनेटली कुछ चीज़ों को रख करके ही दिमाग में उनकी जो पार्टिसिपेशन है उसको दिया जाता है, और उसमें एक तरह से रोक भी नहीं है, अगर कोई स्टूडेंट सामने आ रहा है तो उसे हम रोकेंगे नहीं, आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, सो दैट इज़ द थिंग। कॉलेज आयोजन किया सी पी जी कॉलेज ने जो ये आयोजन किया है जी, क्योंकि अच्छा आयोजन है, और इस आयोजन के तहत मैं तो पहले ये बताना चाहता हूँ कि मोदी जी के सपनों को साकार करने में सी पी जी कॉलेज का बहुत बड़ा हाथ है, और मैं जब यहाँ की सफाई देखता हूँ तो मैं बहुत अच्छे से अनुभव उसमें महसूस करता हूँ, और इनका शिक्षा का स्तर है कि बहुत अच्छा स्तर है, क्योंकि काफ़ी बच्चे हमारे पास आते हैं कि भैया हमें सी पी जी कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो सी पी जी कॉलेज एक अपने आप में बड़ा नाम है सी पी जी कॉलेज का, और ये समय समय पर कभी एनुअल फंक्शन में मुझे बुलाते भी रहते हैं, और जब मैं इनका प्रोग्राम देखता हूँ तो मैं उसमें अति उत्साहित हूँ। सुमित जी, ये आपके एरिया में है और इस तरह के फेस्ट यहाँ पर होते रहते हैं, तो क्या आपके एरिया को विशेष फायदा, इससे बच्चे तो सभी जगह से आते हैं, क्या आप चाहते हैं कि विशेष फायदा है अपने एरिया को भी इससे? सी पी जे कॉलेज एक अपने आप में, मैंने बताया, एक अपने आप में एक ब्रांड बन गया है, और जब ये एक अपने आप में ब्रांड बन गया तो पहले तो यहाँ पे नरेला अपने आप में एक नाम है, और यहाँ पर आते थे तो अपने रजनीश खत्री जी यहाँ पर खड़े हैं साथ में मेरे, तो रामदेव चौक इनके दादाजी के नाम से है, और रामदेव चौक के साथ साथ जब सी पी जे कॉलेज का भी नाम जुड़ गया कॉलेज का, तो एक लैंडमार्क बन गया नरेला का सी पी जे कॉलेज, कि सी पी जे कॉलेज नरेला कहाँ पर है, जहाँ पर सी पी जे कॉलेज। मोदी जी का सपना डिजिटल पर काफ़ी है, और सी पी जे कॉलेज ने आयोजन किया है आई टी पर, क्या कहना है? मैंने तो कहा कि इन्होंने मोदी जी के सपने को साकार किया है, और मैं तो केंद्र सरकार से और मैं खुद भी ये अपना आग्रह करूंगा कि जल्द से जल्द सी पी जे कॉलेज को, अगर बच्चों के लिए कोई, मैं ये कहता हूँ कुछ डोनेशन टाइप में, कुछ पैसा टाइप में कुछ अगर हो सकता है तो इसको होना चाहिए सी पी जे कॉलेज, बहुत अच्छा। बताइए। मेरा नाम मनीष है। मैंने किस चीज़ में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं? मैं ट्रेजर एंड में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। तो क्या है पूरा कार्यक्रम और इसमें क्या फ़ायदा होगा आपको इस कार्यक्रम का? इसमें एक्चुअली सर ट्रेजर एंड एक कॉम्पिटिशन है, उसमें हमें नाइन क्लूज देगी और हमें उस क्लूज को ढूंढना पड़ेगा, जो जो टीम जीतेगी, मतलब जो सबसे ज़्यादा क्लूज ढूंढेगी वो टीम जीत जाएगी। क्लू से कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको? सर उसमें ज़्यादा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, क्लूज कहीं पर भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है क्लूज। ठीक, अपना नाम बताइए। मेरा नाम साहिल शर्मा है। हाँ साहिल, आप किस कॉलेज में स्टूडेंट हैं और क्या इस कॉलेज में प्रोग्राम है? मैं सी पी जी का स्टूडेंट हूँ और आज मैं डेजर्ट में पार्टिसिपेट ले रहा हूँ, और बहुत से कॉलेज हमारे कॉलेज में आ रहे हैं इवेंट्स के लिए, जैसे कि वी आई पी एस हमारे कॉलेज में आ रहा है, PID आ रहा है, और बहुत सारे कॉलेज पार्टिसिपेट करने के लिए आ रहे हैं। तो ये दिल्ली के ही कॉलेज हैं या दिल्ली से बाहर के भी अदर स्टेट्स के भी कॉलेज हैं? दिल्ली के ही हैं और बाहर का शहर भी है, बहुत सारे पार्ट इवेंट्स होंगे, जैसे एक बिजनेस पीस होगा, सभी कॉलेज के बच्चे आएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, अलग अलग टीमें बनेंगी। आप कितने प्रिपेयर हैं इसके लिए? मैं 3 दिन से तैयारी कर रहा हूँ और प्रेसिडेंट की तैयारी कर रहा हूँ, मैं प्रेसिडेंट को पार्टिसिपेट किया हुआ है, हमें बस एक क्लू दिया जाएगा, हमें वो ढूंढना होगा कि वो क्लू कहाँ पे है, जो बच्चा जितने टीम जितने ज़्यादा क्लू ढूंढेंगे वो इसमें विजेता होगा। ठीक है, बच्चे अपना नाम बताइए। संजोनी मित्तल। माय नेम इज संजोनी मित्तल। Speak loudly.
तो किस चीज़ की तैयारी है, इसमें भाग लेंगे आप? मैं एक्चुअली वॉलंटियर हूँ यहाँ पे, मैंने किसी में पार्टिसिपेट नहीं करा है, मैं वॉलंटियर हूँ कॉलेज में और मैं सारे इवेंट्स वगैरह मैनेज कर रही हूँ यहाँ पे, एंड बी क्वेस्टर में मैं वॉलंटियर हूँ वहाँ पे, आई एम मैनेजिंग द थिंग्स। ये इवेंट कितने दिन चलेगा? ये आज और कल है। ठीक, अपना नाम बताइए। किस ट्रेड में किस चीज़ को आप भाग ले रहे हैं आज, क्या है? जी हाँ बताइए। मेरा नाम शिवम है, मैं इसी कॉलेज से बिलोंग करता हूँ, मैं एक्चुअली यहाँ पे जो है बिजनेस फील्ड में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। क्या आप पार्टिसिपेट में आप क्या फेस करेंगे, क्या सीखने को मिलेगा? एक्चुअली बिजनेस यहाँ पे एक फील्ड है जो मतलब बिजनेस के रिलेटेड में कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो उसके रिलेटेड यहाँ पे टॉक करेंगे। टाइमिंग 12 अक्टूबर से स्टार्ट होगा।